सो हेलो गाइस, डिमांड ऑफ चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज करेंगे फिर से एक और अनबॉक्सिंग। मेरे पास है हुआवी का बैंड 2 प्रो। एक्चुअली इसका मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया था कुछ 5-6 महीना पहले, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि वीडियो में कमेंट बहुत सारे आए कि आपका जो बैकग्राउंड का जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, जिसके वजह से आपका जो आप जो कहना चाह रहे हैं हुआवी बैंड 2 प्रो के स्पेसिफिकेशन बताना चाह रहे हैं वो सुनाई पूरी तरह से नहीं दे रहा है। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये वीडियो और ज़्यादा बेहतर इसलिए बन जाएगा क्योंकि इसको मैंने बहुत टाइम यूज़ किया है, इसके बारे में बहुत कुछ जाना है, इसकी बैटरी बैकअप कैसी है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो सब मैं आपको इसी वीडियो में वीडियो के तौर पर बताऊँगा। तो बात करें अगर बॉक्स की, तो सामने हमें मिल जाता है हुआवी बैंड 2 प्रो। इसमें दो तरह के वर्जन आते हैं, हुआवी बैंड 2 क्लासिक और हुआवी बैंड 2 प्रो। तो इसमें दो तरह के वर्जन आते हैं। तो हमारे पास जो है हुआवी बैंड 2 प्रो है, आप यहाँ पे आई होप देख पा रहे हैं, हुआवी की ब्रांडिंग है और यहाँ पे लिखा हुआ है हुआवी बैंड 2 प्रो। प्रो में क्या खासियत है, जो क्लासिक वर्जन है उसमें बिल्ट इन GPS ट्रैकिंग नहीं है, और जो प्रो वर्जन है उसमें आपको मिल जाता है बिल्ट इन GPS ट्रैकिंग। तो और इसमें एक और हाइलाइट्स है 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट, मतलब ये आप इसको पहन के आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे फिटनेस बैंड आते हैं मार्केट में, जैसे कि MI का बैंड 1, बैंड 2 और बहुत सारे बैंड्स आते हैं जिसमें आप अंडर वाटर उसे नहीं ले जा सकते, उसके साथ रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन इसके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको अंडर वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें अगर बॉक्स के बैक साइड की, तो यहाँ पे आपको कुछ हाइलाइट्स मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहला है रनिंग विद स्टैंडलोन GPS, मतलब आप इसको ये जस्ट लाइक है कि आप अपना एरिया सेट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से 10 किलोमीटर एरिया के दरमियान साइकिल या वॉकिंग या रनिंग करते हैं, तो आप GPS के थ्रू आप अपना मैप देख सकते हैं कि आपने कहां से कहां तक कितना किलोमीटर आपने रन किया है। दूसरा आपको मिल जाता है एंजॉय स्विमिंग विथ 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसको पहन के स्विमिंग कर सकते हैं। क्यूरेट कंटिन्यूस हार्ट रेट, इसमें क्या है कि आपको बार बार अपने हार्ट रेट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो ये डिवाइस है ये ऑटोमेटिकली आपका हार्ट रेट हमेशा नापते रहेगा। और यहाँ पे चौथा हाइलाइट्स है फर्स्ट बीट रनिंग गाइडेंस और VO2 मैक्स ट्रेनिंग इफेक्ट, इसमें आपको पर्सनल ट्रेनर मिल जाता है, उसके बाद इसमें आपको रनिंग गाइडेंस मिलता है कि आपका जितना वेट है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वेट है, अंडर वेट है, आप एक मस्कुलर बॉडी है, तो आपको कितना ज़्यादा रनिंग करना चाहिए, कितना ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए, इसके लिए आपको एक पर्सनल ट्रेनर मिल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अप टू 21 डे डेली यूज़, इसमें बैटरी को हाईलाइट किया गया है कि ये 21 डेज़ का बैटरी बैकअप देता है। 21 डेज़ तो नहीं, लेकिन 15 से 18 दिन ये ईजिली चल जाता है विदाउट GPS। अगर आप GPS ऑन रखेंगे तो ये मुश्किल से 4 या 5 दिन आपको बैटरी बैकअप दे देगा। साइंटिफिक स्लीप ट्रैकिंग है, स्लीप ट्रैकिंग इसका मैंने MI बैंड 2 से कंपेयर किया, इसका जो स्लीप ट्रैकिंग है उससे बहुत ज़्यादा अपग्रेड है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मिलता है रिलैक्स योर सेल्फ वाया ब्रेथ इंस्ट्रक्शन, इसमें एक फंक्शन है कि आप जब एक इसमें एक फंक्शन है आप जस्ट लाइक अगर आप रिलैक्स होकर के बैठे हैं, तो आप ब्रेथ का एक छोटा सा एक्सरसाइज है जिससे आपके माइंड को रिलैक्समेंट मिलेगा, बहुत इजी है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में करके बता दूंगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्मार्ट नोटिफिकेशन कॉल मैसेज और स्मार्ट अलार्म, यहाँ पे आपको मिलता है आपका इनकमिंग कॉल की आपको वाइब्रेशन मिलेगी, ऊपर से आपको डिस्प्ले में वो नंबर आएगा, मैसेज का आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ईमेल का इन्फॉर्मेशन मिलेगा और इसमें अलार्म भी है। तो और यहाँ पे बात करें, यहाँ पे लिखता है डाटा ऑफ हुआवी टेस्ट लैब एज प्रेफरेंस बैटरी लाइफ डिपेंड्स एंड एक्चुअल यूजेस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप GPS ऑन करते हैं तो 3 से 4 घंटे का ये GPS आपको ऑन में आपको इसका बैटरी बैकअप मिलता है, अदरवाइज 15 से 18 दिन का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर साइड की, तो यहाँ पे मिलता है आपको एक बारकोड,
जिससे हम इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। इस साइट यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे एक यूएसबी केबल है और आपको मिलता है एक पोर्ट जिसको क्रैडल कहते हैं, एक क्रैडल चार्जर आपको मिलता है जिसके थ्रू आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग मैंने पहले कर दिया है लेकिन फिर से आप लोग के डिमांड के हिसाब से मैंने इसे फिर से अनबॉक्स करने का सोचा है। तो ये आगे कुछ इस तरह से बॉक्स को रख देते हैं साइड में। यहाँ पे सबसे पहला आपको मिलता है मेन हुआवी बैंड 2 प्रो। यहाँ पे एक मिलता है आपको छोटा सा बॉक्स, बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा यूएसबी केबल और यूज़र मैनुअल और आपको मिलेगा एक क्रैडल चार्जर जिसे आप अपने बैंड को इजली चार्ज कर पाएंगे। तो इसे रखते हैं साइड में। यहाँ पे आपको मिलता है एक नॉर्मल यूएसबी केबल, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी। अभी तक मैंने इसे इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इससे पहले वाले मेरे पास यूएसबी केबल है जिसे मैं इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे मिलता है क्विक स्टेप गाइड। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक सामान को लेने से पहले, लेने के बाद, एक्चुअल में लेने के बाद आप इसकी यूज़र गाइड को अच्छे से पढ़ लें। ज़रूरी नहीं कि हमें हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल करना है। इसमें इंग्लिश, हिंदी और अरबियन सारे लैंग्वेज में यहाँ पे मेंशन है, तो इसे पढ़ेंगे हम बाद में। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक वारंटी कार्ड। ये वारंटी कार्ड का एंट्री नहीं है, इसका एंट्री स्टार्ट होगा आपके परचेस से, जहाँ से आप इसे परचेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइस है उसे निकाल देते हैं। तो गाइज ये डिवाइस आ गया मेरे सामने। इसमें लिटिल बिट स्क्रैच पड़ा है क्योंकि मैं इसे 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। और अगर बात करें इसके मेन डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले का साइज़ इसका बहुत अच्छा है और इसका डे लाइट कंडीशन में भी आपको इसका जो व्यू ऑफ एंगल है बहुत अच्छा आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है टाइम, यहाँ पे है ब्लूटूथ का इंडिकेटर। अगर ये बताएगा कि आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट है या नहीं। यहाँ पे आपको मिलता है बैटरी का परसेंटेज, यहाँ पे है टाइमिंग। और बात करें नीचे, तो नीचे आपको मिलता है स्टेप। और अगर स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है हार्ट रेट मॉनिटर। ये कुछ इस तरह से ग्रीन लाइट से ये आपके हार्ट रेट को नापता है। और आते हैं इस साइड नीचे, यहाँ पे आपको मिलता है ब्रीथिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रीथ वाला जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, ये 100% वर्किंग है। आपके माइंड को 100% ये रिलैक्समेंट देगा अगर आप इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे इसे फॉलो करना है। इसे ऑन करते ही आपको थोड़ा देर इस पर लॉन्ग प्रेस करना है और ये स्टार्ट हो गया। ये एक वाइब्रेशन से स्टार्ट हो गया और आप देख सकते हैं इसमें जो इस तरह से ये खुल रहा है, ये आपको इनहेल और आउट करें। तो यहाँ पे ये आपके, सॉरी ये अभी कनेक्ट नहीं है, तो फिर से लॉन्ग प्रेस करते हैं। ये रिलैक्स का ऑप्शन दिया, फिर ये स्टार्ट होगा। इनहेल और इन आउट करना है आपको स्लोली स्लोली। तो ये देखिए, ये जो ग्रीन लाइट है ये हार्ट रेट मॉनिटर का लाइट है जिसके थ्रू आपको ये इन्फॉर्म करेगा। ये 2 मिनट का एक सेशन है, 2 मिनट का सेशन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको मालूम चल जाएगा कि इसका जो ब्रीदिंग क्वालिटी वो कितना ज़्यादा अच्छा है। बात करें अगर इसके स्टेप की, तो यहाँ पे है, यहाँ पे आप ट्रेडमिल पे, जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, तो आप ट्रेडमिल पे जैसे ही चढ़े और उसके बाद इस वॉकिंग को आप ऑन कर दें, उसके बाद आप जितना ज़्यादा वॉक करेंगे, यहाँ पे आपका वॉकिंग स्टेप बताएगा और यहाँ पे आपका कैलोरी बताएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। बात करते हैं अभी से, करते हैं अपने फ़ोन से कनेक्ट। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इस बैंड को कनेक्ट। तो कनेक्ट करने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड डिवाइस में वो एप्लीकेशन डालना होगा। मैं आपको वो एप्लीकेशन से मिला देता हूँ। सबसे पहले करते हैं बारकोड को स्कैन और देखते हैं सबसे पहले कौन सा एप्लीकेशन हमारे सामने आता है। यहाँ पे आपको मिलता है हुआवी वेयर जिससे आप इसको सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये स्टार्ट है सेटिंग और यहाँ पे ये कुछ परमिशन मांगता है जो कि जिसको मैंने सभी तरह से ऑन कर दिया है।
और यहाँ पे पेयर का ऑप्शन आ रहा है, इसे पेयर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है स्मार्ट बैंड, स्मार्ट बैंड में हमने क्लिक किया। यहाँ पे आया हुआवी बैंड 2, बैंड ऑनर बैंड 3, हुआवी कलर बैंड 2। ये इतने तरह के इसके प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमारे पास है हुआवी बैंड 2। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो मॉडल है वो आ चुका है। फिर यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ पे वाइब्रेशन हो गया। यहाँ पे हमें सिर्फ टच करना है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। तो गाइस ये इंस्टॉल हो गया मेरे में और पेयर्ड भी मैंने इसे कर दिया। आई होप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। करते हैं इसे डन। जैसे हम डन करते हैं तो ये ऑप्शन देता है कि भाई इसे हाथ में पहन लो। तो मैं हमेशा राइट हैंड में इसे वेयर करता हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड में मेरे वॉच हमेशा रहते हैं। तो सबसे पहले इसे मैं पहन लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे अपने हाथों में पहन लिया और करते हैं इसे ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हुआवी ट्रू स्लीप यहाँ पे इनेबल है। ये डिसेबल होता है, आपको यहाँ से इनेबल करना है अगर आप इसके इसमें स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन लेना चाहते हैं। तो बात करें अगर नीचे तो एक्टिविटी रिमाइंडर है, अगर आप 10 से 15 मिनट से ज़्यादा अगर किसी चेयर पे या फिर आप कहीं पे बैठे हैं या लेटे हैं तो ये आपको ऑप्शन देगा कि भाई उठो और एक्सरसाइज करने चलो। यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेज़र हार्ट रेट, इसको मैंने डिसेबल इसलिए करके रखा है क्योंकि ये बैटरी का बहुत ज़्यादा कंजप्शन करता है। अगर जितना ये ऑन रहेगा बैटरी बैकअप आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए मैं हमेशा इसे ऑफ रखता हूँ। जब भी मुझे अपना हार्ट रेट चेक करना रहता है तो मैं मैनुअली चाकी से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे है दूसरा अलार्म। अलार्म इसमें आप बहुत तरह से सेट कर सकते हैं। मैंने ऐसे 3 अलार्म सेट करके रखा है जो मुझे ज़रूरत हमेशा पड़ती है। यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है। यहाँ पे आप चाहें तो इसे शेड्यूल कर सकते हैं कि आपको कब वाइब्रेशन चाहिए कब वाइब्रेशन नहीं चाहिए। और यहाँ पे दूसरा नोटिफिकेशन मैनेजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप चाहें तो व्हाट्सएप या फेसबुक या फिर आपको जो एप्लीकेशन आपको चाहिए जिसका आपको मैसेज नोटिफिकेशन आपके बैंड में आए, तो मैंने यहाँ पे मैसेज को रखा है, फ़ोन को रखा है और व्हाट्सएप को रखा है और जीमेल को रखा है। तो आप चाहें तो जो आपका नोटिफिकेशन एप्लीकेशन है जिसे आप इनेबल रखना चाहते हो वो आप रख सकते हैं। दूसरा आपको मिलता है यहाँ पे ब्लूटूथ डिसकनेक्शन रिमाइंडर, मतलब ये आपको हमेशा रिमाइंड करेगा कि आपका फ़ोन कहाँ है या फिर आप जब अपने बैंड को जब पहने रहेंगे तो इसमें हमेशा ब्लूटूथ का ऑप्शन आते रहेगा, डिसकनेक्ट डिसकनेक्ट डिसकनेक्ट। तो जिसके वजह से आप अपना फ़ोन आप भुला नहीं पाएंगे, आप हमेशा चेक करते रहेंगे कि आपका फ़ोन आपके पास है या नहीं। यहाँ पर मिलता है फंक्शन कस्टमाइजेशन। ये जो मैंने आपको मेन्यू दिखाया है, ये पहला हुआ PPM हार्ट रेट मॉनिटर, दूसरा हुआ ब्रेथ, तो यहाँ पर आप इसे सेट कर सकते हैं। तो ये फंक्शन कस्टमाइजेशन अभी लोडिंग हो रहा है। इस रिस्ट टू वेक स्क्रीन, मतलब अगर आप अपने रिस्ट को इस तरह से घुमाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसमें लाइट जल जाएगा। वेयरिंग प्रेफरेंस, आप इसे कौन सा हाथ में पहनना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में। तो हमेशा मैं राइट हैंड में इस्तेमाल करता हूँ तो इसलिए मैंने इसे राइट हैंड में रखा है। यहाँ पर आपको मिल जाता है हेल्प का ऑप्शन। फर्मवेयर अपडेट हमेशा आप करते रहें क्योंकि इसमें बहुत सारे अपडेट हमेशा आते रहते हैं। तो अभी नो न्यू वर्ज़न, मतलब अभी कोई भी वर्ज़न अपडेटेड नहीं है। यहाँ पे रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग का इसमें ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे है हुआवी हेल्थ टू व्यू ऑल डेटा। यहाँ पे एक और एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सो गाइस चलिए करते हैं हुआवी का हेल्थ वेयर ऐप के बारे में जानते हैं कि वो कैसे काम करता है, कैसे उसका जो फीचर है, कैसे उसका स्पेसिफिकेशन है। तो मैं आपको हुआवी हेल्थ वेयर के सामने लाता हूँ। तो ये है वो एप्लीकेशन जहाँ पे 12 बजे मतलब रात के 12 बजे से लेकर दूसरे रात के 12 बजे तक सारा डेटा आपका एक दिन का स्टोर होता है। ऐसे आप पूरे साल का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये एक एक डे करके होता है कि एक डे में आपने कितने कैलोरीज बर्न किए, कितने स्टेप आपने चले, आपने कितने एक्सरसाइज की, आपने दिन भर में आपके बॉडी का जो भी एक्टिविटी है, हार्ट रेट मॉनिटर है, BPM है, और बात करें अगर आपने दिन भर कितने एक्सरसाइज किए, आप ट्रेडमिल पर आप कितना देर दौड़े, वो सारा कुछ आपको इसी एप्लीकेशन में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं अपर इंटरफेस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 कैलोरी, 0 डिस्टेंस, 0 स्टेप्स है।
क्योंकि 12 बजे के बाद मेरा कोई एक्टिविटी नहीं है। तो हम क्लिक करते हैं कैलोरीज पे। कैलोरीज पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो आज 23/7/2018 है, तो अभी 12 बजे के बाद कोई एक्टिविटी इस पे नहीं है। इसे करते हैं बैक 22/7/2018 पे। तो आप देख सकते हैं 98 कैलोरीज टोटल मैंने दिन भर में बर्न की हैं, मतलब कैलरी बर्न 98 कैलरीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलरीज बर्न 98 कैलरीज, रफली 2 अंडे के बराबर मैंने कैलरी बर्न किए हैं। आप देख सकते हैं नीचे की ओर यहाँ पे लिखा हुआ है 40% वॉकिंग। मेरा जो जो भी कैलरीज मेरा जो बर्न हुआ है वो 40% वॉकिंग है उसमें, और 60% आप देख सकते हैं अदर, मतलब 60% मेरा वॉकिंग स्पीड ज़्यादा होगा या कम होगा, इस वजह से वो 60% को अदर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। अगर और बैक जाते हैं तो आप देख सकते हैं 21/7 को 78 कैलरी मेरा बर्न हुआ था। इस तरह से फिर 107 कैलरी 2 दिन पहले, फिर ऐसे बैक करके आप अपने पूरे महीना, मतलब पूरे साल का, यहाँ पे आप वीक का देख सकते हैं, पूरे वीक में मैंने 523 कैलरीज ही बर्न किए हैं, और एवरेज कैलरीज मेरे 87 हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 89% वॉकिंग है मेरा और 11% अदर है। अदर में क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्टेयर्स, ये अदर में हो गया, और हल्का फुल्का हाथ हिलना, ये सारा कुछ अदर में जाता है, लेकिन जो वॉकिंग है वो 89% आपको पूरे वीक में मिलता है। डिपेंड करता है, अभी एक्चुअली ऐसा हो क्या रहा है कि मैं अभी जिम जा नहीं पा रहा हूँ, जिसके वजह से मेरा कैलरीज बहुत कम बर्न हो रहा है। ये मेरे डेली लाइफस्टाइल का कैलरीज है जो मैं डेली बर्न करता हूँ। अगर आप मंथ्स की बात करें तो मैं 1 महीने में 3,081 कैलरी बर्न किया। अभी मैं 6 महीने से, पूरे 6 महीने से कुछ पर्सनल पर्सनल इश्यूज़ थे, इस वजह से मैं जिम नहीं जा रहा, कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसके वजह से मैं जिम नहीं जा पा रहा था। इस वजह से मेरा जो ये कैलरी है बहुत कम बर्न हुआ। मेरा कैलरी पूरे मंथ में 1,800 या फिर 800 या फिर 700 कैलरी हमेशा एक्सरसाइज के दरमियान बर्न मेरा होता था। अगर बात करें पूरे साल की, तो पूरे साल में मैंने 25,452 कैलरी बर्न की है। ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ कि पिछले वाले वीडियोस में मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपका जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा बनाएं और इससे बेहतर तरह से समझाएं। क्योंकि मैं इस हुआवे बैंड 2 प्रो को काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अनबॉक्सिंग के वक्त होता कुछ ऐसा है कि हम जब डिवाइस जो लेते हैं तो उसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ पे एक मैसेज हमेशा मैं छोड़ता हूँ कि इसका रिव्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो समझ लीजिए ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको फुल ऑफ रिव्यू दूंगा, कि आप बेझिझक, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो बेझिझक जाके आप हुआवे बैंड 2 प्रो ख़रीद लें। तो कैलरीज की हमने यहाँ पर बात कर ली, अब आते हैं स्टेप्स। मैंने कुछ टाइम पहले जब मेरा जिम छूट गया था तो मैं अपने स्टेप का एवरेज 6,000 कर दिया, क्योंकि 6,000 होता नहीं था, 10 से 10,000 और 20,000 में रखता था जिम के दरमियान। तो डे आज के डे में कुछ नहीं है। अगर कल की बात करें, मतलब संडे, तो 2,606 स्टेप मैंने क्लियर किए। आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं, तो 12 बजे मेरे पास कोई स्टेप नहीं था, 6 बजे भी कोई नहीं था, मतलब ये रात वाली बात है। ये 12 बजे सुबह, ये जो 356 स्टेप आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 बजे दिन में मैंने 356 स्टेप्स लिए, और 12 से 1 के बीच में 123 स्टेप। उसके बाद हर टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम ये आपको बताएगा कि आपने कितना बजे कितना स्टेप लिया। बात करें फिर 12 बजे की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 334 स्टेप मैंने कवर किए। तो इसी तरह अगर आप वीक की बात करें तो मैंने 16,261 स्टेप लिए, जिसमें एवरेज स्टेप है 2,710। यहाँ पे 100% वॉकिंग है, 0% रनिंग है। मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो ही आपकी रनिंग में परसेंटेज बढ़ेगा। क्लिम्बिंग, जस्ट लाइक क्लिम्बिंग, मतलब एक्सरसाइज में ही माउंट क्लिम्बिंग होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जिसमें क्लिम्बिंग कराया जाता है, तो
तो वैसा कुछ एक्टिविटीज़ में नहीं हुआ है। पूरे महीने की बात करें तो 87,638 स्टेप मैंने लिए हैं, इसमें भी मेरा 100% वॉकिंग है। अगर पूरे साल की बात करें तो 6,92,328 स्टेप टोटल स्टेप है मेरे। मैंने आपको स्टेप्स बता दिए और बैक करते हैं आते डिस्टेंस में, मतलब एक दिन में आप कितना मीटर या किलोमीटर आपने चले हैं। तो आज के टाइम पे कुछ नहीं, कल की बात करें तो 1.16 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर और 16 मीटर कल मतलब संडे को मैं चला। उसके बाद आप सैटरडे देख सकते हैं, फ्राइडे देख सकते हैं, थर्सडे देख सकते हैं, फिर वेंसडे देख सकते हैं, और ये ट्यूसडे है, मतलब ये हर दिन का है। 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर हमेशा की रनिंग मेरी हो जाती है। बात करें अगर इस दिन का, मतलब 23 तारीख 6 महीना 2018, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 बजे रात में जो मेरा डिस्टेंस था वो कुछ इस तरह था, 0.12 मीटर का, और यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। तो ये एक बहुत अच्छा बैंड है, अगर आप फिटनेस बैंड लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा बैंड रहेगा आपके लिए। बात करें अगर दूसरे कॉलम की तो यहाँ पे है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे साइकिलिंग जो है वो मैंने किया 18 किलोमीटर फरवरी 2018, ये फरवरी 2018 का ये दिखा रहा है। और अच्छा, ये टोटल बता रहा है एक्सरसाइज में मैंने, मतलब अभी तक जो मैंने साइकिल अपना रनिंग किया है, एक्चुअली मुझे रात में ही टाइम मिलता है तो मैं रात में ही सिर्फ साइकिल चलाता हूँ। 18 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाया है। और रनिंग की बात है तो रनिंग कुछ भी नहीं है यार, हटाओ इसे। तो आप यहाँ से स्टार्ट वर्कआउट कर सकते हैं। स्टार्ट वर्कआउट में आप आउटडोर रन कर सकते हैं, अगर आप बाहर दौड़ने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, नाइट वॉक अगर करते हैं तो आउटडोर रन आप स्टार्ट करें। ये आपका मेन लोकेशन है, यहाँ से स्टार्ट होगा GPS के थ्रू, और GPS में काफ़ी बैटरी ड्रेन होता है, लेकिन कोई इशू नहीं यार, जब करना है तो फिर करना है। और यहाँ इंडोर रन सेट टारगेट आप कर सकते हैं कि आपको डिस्टेंस चाहिए, टाइम चाहिए, कैलोरीज चाहिए। तो आप टाइम अगर 20 मिनट्स ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं तो 20 मिनट्स का करें। अगर आपको 200 कैलोरी, 100 कैलोरी, 500, 600 जितने कैलोरी आपको बर्न करने हैं उतने कैलोरी पर आप सेट करके इसे स्टार्ट कर दें। जैसे आपका कैलोरी अचीव होगा, जैसे आपका डिस्टेंस और टाइम अचीव होगा, वाइब्रेशन से एक मैसेज आएगा कि यू अचीव्ड ये स्टेप, ये कैलोरीज, ये किलोमीटर। करते हैं इसे कैंसिल। यहाँ पे आउटडोर वॉक, मतलब आप बाहर टहलने को निकलते हैं शाम में, सुबह में, सिर्फ टहलने के लिए, तो यहाँ पे आप GPS के थ्रू सेट कर सकते हैं। ये है आउटडोर साइकिल, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं आउटडोर में तो यहाँ पे भी आप उसी तरह से टाइम सेट कर सकते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तो ये आपका मेन लोकेशन है। सॉरी मैं अपने लोकेशन को ब्लर कर दूंगा क्योंकि ये पर्सनल लोकेशन है, इसलिए। तो इसे स्टॉप करते हैं और इस तरह से टैप टू होल्ड करते हैं तो एंड हो जाता है ये। इसे करते हैं साइड में। ट्रेनिंग प्लान, यहाँ पे आप ट्रेनिंग प्लान ले सकते हैं। कस्टमाइज प्लान में अगर हम जाते हैं तो 5 किलोमीटर ट्रेनिंग प्लान, अगर आप 5 किलोमीटर का लेना चाहते हैं, 10 किलोमीटर का लेना चाहते हैं, 13 किलोमीटर या फिर 26 किलोमीटर का ट्रेनिंग प्लान लेना चाहते हैं। अगर बात करें 5 किलोमीटर ट्रेनिंग प्लान की तो यहाँ पे आप पर्सनल बेस्ड, इसको एक्चुअली मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मेरा जो जिम है वो काफ़ी टाइम से छूटा हुआ है, तो इसकी मुझे वैसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे 5 किलोमीटर टाइम है 30 मिनट्स का, सॉरी मैंने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया है तो इससे रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। करते हैं इसे बैक। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस का आपको पूरा हिस्ट्री मिलता है। मेरा जो हुआवी बैंड 2 प्रो है उसका मॉडल है 534, वो कनेक्टेड है मेरे फ़ोन से और बैटरी उसकी 100% है। बात करें अगर बैटरी चार्जिंग की तो बैटरी चार्जिंग आपको
एक घंटे से भी कम समय में आपको 100% चार्ज मिल जाता है और 15 से 18 दिन का आपको बैकअप इसमें मिल जाता है विदाउट GPS, विदाउट कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर के साथ। अगर आप हार्ट रेट मॉनिटर हमेशा ऑन रखते हैं तो इसमें आपकी बैटरी थोड़ी सी कम हो सकती है। बात करें अगर नीचे हार्ट रेट की, तो हार्ट रेट का आप मेरा डिटेल्स क्या यार आप मेरे हार्ट रेट का डिटेल्स देख सकते हैं। अभी मैंने बैंड नहीं पहना है इसलिए ये अभी की डिटेल्स नहीं बता रही है। अगर बात करें बैक की, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं अपना कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर को हमेशा ऑफ रखता हूँ, जब मुझे जैसा ज़रूरत होता है वैसे मैं मेज़र कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिलो एक्सरसाइज थ्रेशोल्ड है 98 BPM, मतलब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो आपका मिनिमम 98 होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप वार्म अप कर रहे हैं एक्सरसाइज, जैसे आप जिम में गए वार्म अप, बस ऐसे ही हल्का फुल्का थोड़ा सा रनिंग कर लिए, थोड़ा सा लिटिल बिट जिसमें आप थके नहीं, उसको कहते हैं वार्म अप। उसमें आपको 98 to 114 BPM होना ज़रूरी है। अगर आप फैट बर्निंग कर रहे हैं, मतलब आप बीस्ट मोड में चले गए हैं और आप फैट बर्निंग कर रहे हैं, तो आपको 115 से 134 आपका हार्ट रेट मॉनिटर आना चाहिए। अगर 134 से ज़्यादा आता है तो आप अपने ब्लड प्रेशर को चेक कराएं और डॉक्टर से सलाह लें, और 115 से कम आता है तो समझ लें कि आपकी फ़ैट बर्निंग नहीं हो रही है। अगर आप एरोबिक करते हैं तो 135 to 153 होना ज़रूरी है। अगर आप ये क्या चीज़ है यार एनएरोबिक, मतलब आप एरोबिक नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ एक्सट्रीम वर्कआउट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस सेशन में आपको 154 से 172 BPM होना ज़रूरी है। एक्सट्रीम मतलब बीस्ट मोड का जो बाप होता है, मतलब एक्सट्रीम मोड, मतलब सामने वाले को देखना नहीं है, हिलाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस करते जाना है एक्सरसाइज, उस जोन में आपको 173 से 193 तक BPM आपका होना चाहिए। बात करें अगर वीक की, तो यहाँ पे मेरा कोई भी रिकॉर्ड डेटा नहीं है, क्योंकि पर्सनली मैं करता रिकॉर्ड नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। हाँ एक्सरसाइज अगर मैं अगर जिम मेरा कंटिन्यू रहता तो मैं ज़रूर इसे करता, लेकिन ऐसे नहीं लगता है कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अगर बात करें साल की, मतलब ये साल हुआ नहीं है, ये 8/2017 से लेके 7/2018 तक, मतलब 8वां महीना 2017 और 7वां महीना 2018 तक, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है रेस्टिंग हार्ट रेट, मतलब जब मैं रेस्ट कर रहा था तो मेरा 52 BPM था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप बिलो एक्सरसाइज है, मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका 52 था मिनिमम, और मैक्सिमम मेरा 136 BPM तक ही गया है, और मिनिमम जो है मेरा 45 BPM तक ही गया है। तो चलिए करते हैं इसे बैक। सॉरी वीडियो लंबा होगा, और वीडियो मैं लंबा इसलिए बनाऊंगा क्योंकि आप हुआवी बैंड 2 प्रो के बारे में बहुत कुछ अच्छी तरह से जान जाएं। करते हैं वेट की। सॉरी यार नो डाटा फोन, मैं इसमें वेट का मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं रखता। आप चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं, मेज़र रख सकते हैं, आपका जो साइज़ चेस्ट का, सॉरी चेस्ट का, वेस्ट का, शोल्डर का, आप सारा मेज़र इसमें रख सकते हैं। आप इसमें टारगेट सेट कर सकते हैं, इसमें टारगेट आप वेट मतलब किलो के हिसाब से भी रख सकते हैं और LB के भी हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब मैं जिम कंटिन्यू जाता था तो 10,000 स्टेप या तो 20,000 स्टेप हमेशा रखता था, लेकिन अभी सिर्फ 6,000 स्टेप से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो करते हैं इसे बैक में, आते हैं स्लीप मोड की तरफ। मैंने MI के बैंड 1 बैंड 2 को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, लेकिन जितना एक्यूरेट ये है हुआवी बैंड 2 प्रो, उससे ज़्यादा एक्यूरेट अभी तक मुझे नहीं दिखा कोई भी। और अगर इससे अपग्रेड वर्ज़न मैं इस्तेमाल करूँगा, हो सकता है उसमें और बेहतर हो, लेकिन हुआवी बैंड 2 प्रो में बहुत अच्छा स्लीप ट्रैकिंग है। ये मैं आपको डेटा के तौर पर दिखा देता हूँ। तो आपको इसे करना क्या है कि अपने लेफ़्ट या राइट हैंड, आपको जिस हाथ में पहनना है उस हाथ में आप वेयरिंग प्रेफरेंस में जाके सेटिंग कर लें लेफ़्ट या राइट, उसके बाद आपको पहन के इसमें सो जाना है।
तो बात करते हैं कुछ इधर से। तो 21 तारीख को, मतलब शायद से फ्राइडे या सैटरडे, तो सैटरडे या फ्राइडे जो भी है उस दिन मैं बेड टाइम, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं बेड टाइम है 00:47, मतलब 1:15 मैं सोने गया। और राइस टाइम भूल के प्लीज़ यार, बहुत थका हुआ था। तो 11:36 AM मतलब 12 बजे मैं सो के उठा, खतरनाक सोया यार, कातिल लाना है। तो स्लीप क्वालिटी मुझे 85, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो स्लीप क्वालिटी में मुझे 85 पॉइंट्स मिले हैं। बात करते हैं गहरे नींद की, लाइट नींद की, और जिसको कहते हैं ना नींद में ख्वाब देखना, वो वाली नींद की। तो यहाँ पे जो गहरी नींद है वो 2 घंटे 22 मिनट है, फ्राइडे या सैटरडे 7 तारीख, नहीं पता कौन सा दिन पड़ रहा है। और लाइट स्लीप जो है, हल्की नींद, वो है 4 घंटा 19 मिनट, और जो ख्वाहिश और ख्वाब वाली जो नींद होती है वो है 1 घंटा 16 मिनट। तो टोटल स्लीप हुआ 7 घंटा 57 मिनट का, आप पहले ऑप्शन में देख सकते हैं 7 घंटा 57 मिनट मैं फ्राइडे या सैटरडे जो भी दिन है 7 तारीख को उस दिन मैं सोया। और आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ स्लीप, इसके बारे में आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें, इसे पढ़ के बताना बहुत लंबा है, बहुत मुश्किल है। तो ये रेम स्लीप होता क्या है, डीप स्लीप होता क्या है, लाइट स्लीप होता क्या है, इसमें सारा कुछ फुल एकदम, मैंने आपको बताया ना कि डीप स्लीप कहते हैं गहरी नींद को, लाइट स्लीप कहते हैं हल्की फुल्की नींद को, इधर उधर ख्वाब देखना। और REM स्लीप जो है, इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें तो यही लिखा हुआ है कि आप जो ख्वाब वाली नींद सोते हैं तो वो आपको मेज़र करके ये बताता है। अवेक टाइम, ये जो चीज़ है ना ये बड़ा अमेजिंग है। अवेक जो है 5 times, मतलब 7 तारीख को मैं 5 बार, होता है ना झटके खा के उठना, मतलब आप कंटिन्यू सो रहे एक पैक हो करके आपको झटका लगता है, तो आप सडनली से आपकी आँख खुल जाती है। तो ये आपका 5, अबे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है यार, बंद करना उसको, वीडियो बना रहा हूँ यार। तो अवेक टाइम 5 बार मैं झटके खा के उठा हूँ। ब्रीदिंग क्वालिटी की बात करें तो ब्रीदिंग क्वालिटी मुझे 100% पॉइंट मिले हैं। अब ऑब्वियस है यार, सांस तो आदमी खुल के ही लेगा, अब जब मरेंगे तो देखा जाएगा। तो नैप्स, मतलब खर्राटे वाली नींद, मुझे खर्राटे नहीं आते हैं। जो लोग कहते हैं ना मुझे खर्राटे नहीं आते, उनको भाई ये बैंड पहना के सुला दो यार, सब मालूम चल जाएगा खर्राटे आते हैं कि नहीं आते हैं। यहाँ पे नोट्स के ऑप्शन हैं जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं कि स्लीप क्वालिटी क्या है, हाउ टू इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी, आप अपनी नींद को कैसे बेहतर बनाएं, व्हाट डज़ द स्लीप क्वालिटी इंडेक्स मीन, स्लीप क्वालिटी का क्या मतलब है, व्हाट इज़ स्लीप आर्किटेक्चर, यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ जिसको आप पढ़ के, इससे क्या होना आपका माइंड सेट होता है कि नहीं मुझे 1 घंटा डीप स्लीप नहीं करना है, मुझे 2 घंटा डीप स्लीप करना है, सुकून वाली नींद चाहिए। तो ये अगर हुआवी बैंड 2 प्रो आप इस्तेमाल करते हैं और सीरियसली इस्तेमाल करते हैं, मतलब एज ए वेयर नहीं, एज ए एंड्रॉयड वेयर नहीं, एज ए स्मार्ट बैंड नहीं, एज ए स्मार्ट वॉच नहीं, ऐसा नहीं, अगर आप पर्सनली इसे पर्सनल ट्रेनर मानते हैं तो इसे पर्सनली यूज़ करें, एकदम लॉयल बन के यूज़ करें इसको, ट्रस्ट करें इसके ऊपर, तो जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। करते हैं इसे बैक, अब बताने को इसमें रहा कुछ नहीं, ये है मेरा मैसेज, टारगेट प्रोफाइल, माई डिवाइस, डेटा शेयरिंग सेटिंग एपोर्ट। तो दोस्तों ये वीडियो था स्पेशली मेरे हुआवी बैंड 2 प्रो का, और मैं आपको इसकी एक झलक दिखा देता हूँ, अभी मैं एडिटिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये रहा इसका झलक, हुआवी बैंड 2 प्रो, यही वो मैजिकल चीज़ है जिससे मैं अपने हर्ट रेट को, अपने हर एक डेटा को स्टोर रखता हूँ। ये बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है, आप भी इसे ऑर्डर करें, लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आप इसे ईजिली परचेज़ कर लेंगे। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, थैंक यू सो मच। और ये मेरे छोटू से टुक टुक बच्चा हैं, अगर आपको भी ये पसंद आए तो इनके खातिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। The storms we chase are leading us.